आज सभी लोग ध्यान देंगे, यह गति का जो समीकरण है ग्राफ विधि द्वारा हम बताए थे तुम लोगों को, और आज कलन विधि द्वारा बता रहे हैं। जैसा कि ध्यान देना, गति का प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण में ध्यान देना, गतिशील वस्तु का जो त्वरण होगा, गतिशील वस्तु का त्वरण अल्फा इक्वल टू होता है, चाहे ये इक्वल टू लिखेंगे, वेग परिवर्तन की समय दर डीवी डीटी, तो यह हो जाएगा डीवी डीटी। तो इसमें डीवी इक्वल टू हुआ, डीवी इक्वल टू ए डीटी हुआ। अब इसमें एक जगह पर जो ये त्वरण है, ध्यान देना, वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण होता है, तो इस समीकरण में क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन जब करेंगे तो इसका होगा इंटीग्रल डी वी, प्रारंभिक जो वेग होगा यू और अंतिम वेग भी मानेंगे, इंटीग्रल की जो लोअर लिमिट होगी वी और अपर लिमिट, लोअर लिमिट यू और अपर लिमिट वी इक्वल्स टू ए और डी टी। तो इंटीग्रल तो यहाँ लिखेंगे टाइम जीरो टू टी होगा, ये कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर कर लेंगे। तो यह हुआ इसका इंटीग्रल हुआ वी डी वी का, वी होगा वी और इंटीग्रल की लोअर लिमिट यू अपर लिमिट वी, और इक्वल्स हुआ ए और डी टी का टी होगा, तो टी इंटीग्रल की लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट होगा टी, तो अपर में से लोअर को घटाते हैं, वी माइनस यू इक्वल्स टू हुआ ए और इंटू टी माइनस जीरो। अब यह हुआ वी माइनस यू इक्वल टू ए टी हुआ, या v इक्वल टू हुआ यू प्लस ए टी, ये हुआ गति का प्रथम समीकरण। और इसी तरह से देखेंगे दूसरा समीकरण भी ध्यान देंगे सभी, एकलन विधि द्वारा द्वितीय समीकरण, ये द्वितीय समीकरण ध्यान देना, कलन विधि द्वारा द्वितीय समीकरण। तो गतिशील वस्तु का त्वरण नहीं देखेंगे, वेग से हम लाएंगे, वेग ये वेग जो होगा गतिशील वस्तु का वेग वी इक्वल टू हुआ, वेग वी इक्वल टू डी एस डी टी होता है, विस्थापन की समय दर ही वेग होता है, तो इसमें डी एस इक्वल टू होगा डी एस इक्वल टू वी डी टी, या डी एस इक्वल टू हुआ वी के जगह पर अभी हम यू प्लस ए टी बताए हैं, और ये होगा डी टी। अब इसमें दोनों पक्षों का इंटीग्रल लेंगे, समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर होगा देखो इंटीग्रल जीरो टू एस डी एस इक्वल्स, यहाँ यू है तो यू का लिखेंगे, और यू ये डी टी होगा, तो यू डी टी ध्यान देंगे, U इंटू डी टी प्लस ए डी टी इंटू डी टी, इसका इंटीग्रल तो लेंगे, या इस इंटीग्रल प्रारंभ में तो देख रहे हैं आप जीरो टू टी लेंगे, और इसका भी यहाँ जीरो टू टी। अब देखो डी एस का इंटीग्रल तो यस होगा, यस की लोअर लिमिट होगी जीरो और अपर लिमिट यस इक्वल टू यू कॉन्स्टेंट प्रारंभिक वेग, और यहाँ डी टी तो टी हो जाएगा, यहाँ टी और टी अपर लिमिट टी लोअर लिमिट जीरो, और ए प्लस हुआ ए टी डी टी होगा टी स्क्वायर बटे दो, मतलब ये होगा टी स्क्वायर बाई टू, और इसका जीरो टू टी होगा। अब यहाँ यस अपर में से लोअर को हटाएंगे तो यस माइनस जीरो इक्वल टू यू टी, तो टी माइनस जीरो
और ये इक्वल टू हुआ हाफ ए टी स्क्वायर, ये हाफ ए टी स्क्वायर माइनस जीरो करेंगे तो यस इक्वल टू हुआ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा गति का ये द्वितीय समीकरण। इसके बाद देखेंगे गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण तृतीय समीकरण कलन विधि द्वारा तृतीय समीकरण, ध्यान दो तृतीय समीकरण में लेंगे त्वरण, तो त्वरण ए इक्वल टू होगा ए डी एस डी वी डी टी होगा। और इसमें देखो क्या करेंगे कि डी एस से हम नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, डी एस से मान में कोई अंतर नहीं होगा। ए इक्वल टू हुआ डी वी और ये हुआ डी वी अपान डी एस लिखेंगे इन टू डी एस अपान ये हुआ डी टी। देखो डी एस डी टी जो होगा वेग होगा, चूंकि वी इक्वल टू होता है डी एस डी टी तो डी एस डी टी की जगह पर वी लिखेंगे, तो ये होगा ए इक्वल्स टू वी डी वी और अपान ये हुआ डी एस। तो ए डी एस इक्वल टू हुआ वी इंटू डी एस वी इंटू डी वी। इसमें थोड़ा ध्यान देंगे, अब दोनों पक्षों का हम लेंगे समाकलन, तो दोनों पक्षों का समाकलन लेने दोनों पक्षों का समाकलन करने पर होगा ए इंटीग्रल जीरो टू एस डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू यहाँ प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग वी मानेंगे वी डी वी होगा। इसमें देखो ए या डी एस का तो यस होगा, इंटीग्रल की अपर लिमिट यस लोअर लिमिट जीरो इक्वल टू इसका होगा वी स्क्वायर अपॉन टू और इंटीग्रल की अपर लिमिट वी टू लोअर लिमिट यू। अब इसमें ए हुआ ए इन ब्रैकेट यस माइनस जीरो इक्वल टू हाफ, यहाँ होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपर में से लोअर को घटा देंगे। ये हुआ ए एस इक्वल्स टू हाफ तो एक बटे दो, तो इसको हम ए दो का इसमें गुणा कर देंगे तो टू ए एस हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें वी स्क्वायर इक्वल टू हुआ यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये हुआ गति का तृतीय समीकरण, तो ध्यान देंगे इसी प्रकार जो देख रहे हैं तो गति के तृतीय समीकरण है। यदि गति ऊर्ध्व के अंतर्गत होती है तो जहाँ v है तो v रहेगा, u की जगह पर त्वरण रहेगा, लेकिन त्वरण ये है तो ये नहीं रहेगा, वो g हो जाएगा और s जो है हाइट हो जाएगा, वहाँ ऊंचाई हो जाएगी पृथ्वी के तल से। तो गुरुत्व के अंतर्गत जब गति होगी तब ध्यान देना, गुरुत्व के अंतर्गत चाहे गुरुत्व के अधीन चाहे गुरुत्व के अंतर्गत जब गति होती है तो गति होती है तो गति का प्रथम समीकरण जो अभी हम बताए हैं कि v बराबर होगा u प्लस ए टी, तो u प्लस ए जी टी हो जाएगा। दूसरे नंबर पर देखेंगे द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण में यस के जगह पर यच बराबर हुआ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरे नंबर पर देखेंगे तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, ये तृतीय समीकरण गुरुत्व के अंतर्गत। तो अभी वी स्क्वायर बताएं, वी स्क्वायर होगा इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। देखो जब ऊपर जाएंगे पिंड को जब ऊपर फेंकेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण निगेटिव होगा, पिंड जब ऊपर से नीचे आएगा तो त्वरण जो होगा गुरुत्वीय त्वरण वो पॉजिटिव होगा क्योंकि वेग वृद्धि होगी। तो ऊपर के लिए जी माइनस है, ऊपर के लिए जी निगेटिव, जी का मान क्या होगा माइनस जी, और नीचे जब पिंड आएगा नीचे के लिए ये होगा प्लस जी होगा।
इसके बाद अब कल तुम उनको बताया जाएगा। ये लेसन देखो लगभग समापन की ओर चल रहा है, कल ये लेसन समाप्त हो जाएगा।